इंटरनेट के रिव्यूज के ऊपर में ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होता, बिकॉज हु सेज टीवी इज नॉट एजुकेशनल, टीवी इज एजुकेशनल। वो यहाँ से दिख रही है जिमनी, फोन में सिर्फ पेड़ दिखाई दे रहे हैं बट मुझे दिखाई दे रही है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे खड़ी है जिमनी। चल रहा है कि विष्णु गिर गया था गया था वहां पे, देखो गाड़ी की क्या हालत करके आया हूँ, क्योंकि हम लोग एक जगह गलती से कच्चे रास्ते पे चले गए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिविंग ड्रीम्स, जहां सपने होते हैं सच, वेयर वी लिव आवर ड्रीम्स। तो आज दो तीन प्लान लेके मैं हम लोग निकले घर से। एक तो सबसे पहले मेरा प्लान था कि हम लोग जाके जिमनी देखेंगे एक बार, जिमनी की डेमो कार नहीं आई है अभी तक, तो वो लोग टेस्ट ड्राइव वगैरह ऑफर नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट भी थॉट के जाके जिमनी देखेंगे क्या है क्या नहीं, फील लेंगे। मैंने रोड पे मुश्किल से दो तीन बार देखी है अभी तक, तो मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं है कि गाड़ी कैसी है, क्या है क्या नहीं। इंटरनेट के रिव्यूज के ऊपर मैं ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होता, बिकॉज ऑटो जर्नलिस्ट नावर डेज आर यू नो जस्ट ट्राइंग टू सेल द कार या फिर ट्राइंग टू मेक द हाइप। रीजन बिहाइंड दैट इज के उनको भी तो कंपनी के साथ कोलैबोरेशन अपना कंटिन्यू करना है। अगर एक नेगेटिव रिव्यू दिया दैट मीन्स के उनका वो उनका जो कोलैबोरेशन है वो रिस्क पे आ जाएगा, राइट। उसके अलावा कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को मैंने गाड़ी लेते हुए देखा है, तो इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, बट फिर भी आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर एंड फील द कार बाय माई सेल्फ। तो मुझे लगता नहीं आज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसका रीजन क्या है पता है? ये पुणे और पुणे का ट्रैफिक, मतलब यहां से शोरूम तकरीबन 8-9 किलोमीटर जैसा है, 11 किलोमीटर मैंने एक और लोकेशन लगाया है, बट यहाँ पे जाने का टाइम ऑलमोस्ट होना चाहिए था लमसम 15 मिनट्स, उसके जगह पे दिखा रहा है कि यहां से ऑलमोस्ट आधा घंटे से ज्यादा, सॉरी 40 मिनट से ज्यादा उसे वहां पहुंचने के लिए लगेंगे, विच इज लाइक वे टू मच यार। तो आई डोंट नो मैं शोरूम पे पहुंच पाऊंगा, जिमनी देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा। उसके बाद भी एक दो कमिटमेंट्स है। कमिटमेंट्स क्या है? एक फ्रेंड को मिल रहे हैं विष्णु, जो आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि विष्णु हमारे साथ आया था, तो विष्णु इज फ्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो आज उसको मिलने का प्लान है। सो विष्णु को मिलेंगे, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, एंड उसके बाद वी आर गोइंग फॉर मूवी ओपेनहाइमर, तो वो भी एक है, देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट मूवी, बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि यार वो वाली मूवी देखने चलते हैं चलते, बट गैप नहीं मिल रहा था। सो वी हैव बुक्ड द टिकट्स, सो 7:30 बजे है अभी, रात को 11:20 का शो है, उसके बीच में इतनी चीजें करनी है जो मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगी, एंड जो इजीएस्ट चीज जो मैं सबसे जल्दी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ वो है जिमनी। सो आई थिंक जिमनी देखने जाना आज तो नहीं हो पाएगा, बट आई विल स्टिल ट्राई, एंड ओनली इफ दिस ट्रैफिक परमिट्स। यार हम लोगों ने ना घर से स्टार्ट किया था अराउंड 7:20 के आसपास, और अभी 7:50 हो रहे हैं, और अभी भी हम लोग बहुत दूर है यहाँ नेक्सा के डीलरशिप से। तो मुझे लगता नहीं है कि यार आज जिमनी वाला हो पाएगा, यार जिमनी का रिव्यू रह जाएगा आज, पता है। उसके लिए कल वापस से जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रायोरिटी आज हमारी है विष्णु को मिलना और ओपेनहाइमर, और ऐसे ही ट्रेड ऑफ्स होते हैं यार, पता है। सो एनीवे कुछ कर नहीं सकते इसका, कल थोड़ा प्री प्लान करके चलेंगे, इसमें प्लानिंग की भी हमारी थोड़ी गलती है कि हम लोग ने लेट किया, तो कल चलेंगे, कल आराम से जिमनी शांति से देखेंगे। और कल एक और कोशिश करता हूँ ना, दो तीन और डीलरशिप को कॉल करता हूँ, शायद किसी के पास डेमो व्हीकल भी हो तो हम लोग टेस्ट राइड भी ले लेंगे, और उसी के साथ वी विल आल्सो टेक अ फील ऑफ द कार, उसके साथ गाड़ी देखने को भी मिल जाएगी, वैसा करेंगे। तो ये रहा वही वाला नेक्सा का शोरूम जहाँ पे हम लोग आने का प्लान कर रहे थे, और वो यहाँ से दिख रही है जिमनी, फोन में सिर्फ पेड़ दिखाई दे रहे हैं बट मुझे दिखाई दे रही है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे खड़ी है जिमनी, बट आज ही नहीं हो पाएगा यार। मतलब जैसे अभी 8:08 हुए हैं, तो हम लोग को घर से निकल के ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, तो वी आर वे टू लेट वहाँ पे जाने के लिए। अब तो कल ही हो पाएगा, क्योंकि बाकी के प्लान्स हैं, फिर अगर इसके चक्कर में आधा पौना घंटा आई एम श्योर यहीं पे लटक जाएगा, उसके चक्कर में बाकी के प्लान्स कैंसिल मतलब पोस्टपोन होता है हो जाएंगे, और मूवी तो हम लोग पोस्टपोन कर नहीं सकते क्योंकि 11:20 का मूवी है, वही है, कल पे ही रखते हैं यार। थोड़ा एक्साइटमेंट था ना, बट वो एक्साइटमेंट जब किरकिरा हो जाता है ना तो अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो टाइम क्या हो रहा है अभी? 8:40।
तो यार देखो, पुणे में अगर कहीं पे भी जाना है ना, तो 5-7 साल का मार्जिन लेके चलना ही पड़ेगा। मतलब तुम लोग आई सपाश 1-2 साल के बिना कहीं पहुंच नहीं सकते। जैसे हम लोग पिछले साल निकले थे, तो हम लोग इस साल पहुंचे यहाँ पे, यही होता है यार। और कल एक जगह गया था, वहां पे देखो गाड़ी की क्या हालत करके आया हूँ, क्योंकि हम लोग एक जगह गलती से कच्चे रास्ते पे चले गए थे और रास्ते में कुछ और डिस्कशन हुआ हमारा, तो हमने एक खुराफाती चीज़ सोची है कि 11:20 का शो है मूवी का, और वो ख़त्म होगा आई डोंट नो 2:30-3 बजे, तो उसके बाद कुछ तूफानी किया जाए, है ना। देखते हैं, एग्जीक्यूट होता है तो विल ट्राई, बट फिलहाल यदु के यहाँ पहुँचे हैं, चलते हैं उसके यहाँ, विष्णु को मिलेंगे एंड फिर मूवी के लिए निकलेंगे। विष्णु विष्णु ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी तो बन चुका है तो यहाँ पे हम लोग ने वही वाला व्लॉग चलाया है और यही वाला व्लॉग चल रहा है और वही डिस्कशन चल रहा है कि विष्णु गिर गया था बट विष्णु ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी टुमारो एंड यू गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन अ न्यू कंट्री। यस, so all the best for that. हमको भूल मत जाना परदेसी। अगर आप लोगों ने भी व्लॉग नहीं देखा, जाके व्लॉग देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करना। और ये थार यहाँ पे पार्क कर दी, यहाँ पे विष्णु को बाय बोलते हुए, बाय विष्णु, बाय एवरीवन, मिलते हैं। एंड यस, ये हमारी सवारी यहाँ पे वेट कर रही है एंड वी आर गेटिंग लेट फॉर द मूवी। अरे भाई खोल दे यार, चले एंड यहाँ पे हम लोग बलेनो में निकल चुके हैं अभी मूवी देखने के लिए एंड एज यूजुअल वी आर लेट। ये तो भाई फटाफट पका के पहुंचा दो यार, विन डीजल मोड ऑन। यस, एंड अभी टाइम हो चुका है रात के 3:15 और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी पीने, बट ओपेनहाइमर, व्हाट अ पीस ऑफ परफेक्शन, व्हाट अ मूवी, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। मतलब एक एक डायलॉग इतने ध्यान से सुना है हम लोगों ने एंड द मूवी इज़ जस्ट सो स्पेक्टेकुलर एंड द वे इट हैज़ बीन शोकेस्ड, मतलब it is a piece of perfection. If you are interested in such movies, you should definitely go and watch. I personally am a very big fan of war movies. तो मेरे को मतलब you ask me the movie, मैंने subtitles के साथ कितनी सारी movies foreign language की देखी है about World War I and World War II. So I am just so in love with it. I think एक बार ये OTT पे आ जाएगी, उसके बाद मैं दूसरी तीसरी चौथी बार भी ये वाली movie देखूंगा. Like I repeat all the war movies. But it is spectacular, a piece of perfection, and you must should watch it. और मुझे उसका और आइंस्टाइन के बीच का कॉन्वर्सेशन बहुत पसंद आया, और सिंसियर बहुत। सो हम लोग कॉन्स्टेंटली अभी मूवी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं एंड इट इज जस्ट नॉट गेटिंग आउट ऑफ आवर हेड्स। मतलब you know we are discussing all the characters and main aap logo ko bloopers nahi dena chahta, matlab I don't want to tell you ke last mein kya hota hai kya nahi, so I would rather recommend you go and you watch it, but it is something which is totally worth watching and discussing once you have seen it. So it is a masterpiece and Christopher Nolan, hats off. Agar aap ye dimag mein ye impression leke ja rahe ho ki you will be watching another Inception or an Interstellar, no, it is something which is completely offbeat, a little bit of Dunkirk I can say. agar aapne Dunkirk dekhi hai to ye thodi bahut usse relate karegi, but the theory and the storyline and everything else is totally different. jao dekh ke aao.
I don't know if you guys realize there was Richard Feynman Richard as well. Richard Feynman there as well. But and I don't know if people realize. Big Bang Theory देखी है, we all can relate to every scientist. Those who follow Big Bang, those who follow Big Bang Theory, there was a mention of Richard Feynman and everybody. Everybody who follows Big Bang Theory, उनके लिए तो ये मतलब it's like a revision kind of a thing कि हाँ ये Sheldon ये बातें. बहुत सारे वहाँ से हम लोग को theories वगैरह पता होती है. Who says TV is not educational? TV is educational. And मुझे Oppenheimer में बहुत ज़्यादा Sheldon जैसा लगा. Initially it felt like it was a character derived from his blue eyes. I think you're forgetting one thing, that Sheldon Cooper जो है आइडलाइज करता है ओपेनहाइमर को rather than Einstein or somebody else. Yes, he was a theoretical physicist. He is a theoretical physicist. He's not an experimental physicist. From Caltech. So yeah, that can be relatable. And the name Oppenheimer, मतलब वो जो पूरा build up किया है ना, that was very nice. So कब से यही सब चल रहा है, such discussions are just going on and on and on, and it is still in the head. And just